आगरा में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए। सड़कों पर समंदर बहने लगा और गाड़ियां पूरी तरह से डूब गईं। मकानों और दुकानों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। पूरा शहर पानी पानी नजर आ रहा है। कहीं सड़क पर ऑटो डूबा है तो कहीं दर्जन भर कार पूरी तरह से पानी में डूबी हैं। सबसे डराने वाली तस्वीर मीरा कॉलोनी की है, जहां 150 मकानों में पानी भर गया। हालात ऐसे हो गए कि शहर में नाव चलानी पड़ी। इस इलाके में सैकड़ों लोग फंसे हैं, जिन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। शहर के एतमादपुर में दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 युवक नाले में बह गए। दोनों युवकों को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आगरा में हो रही भारी बारिश के बाद जमीन धंसने से सड़क गायब हो गई। सड़क पर गहरी खाई बन गई, जिसे देखकर लोग दंग हैं। बारिश से ताजमहल भी अछूता नहीं रहा। ताजमहल भारी बारिश के कारण स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया। ताज के गार्डन पानी में समाये हुए हैं। आगरा के बाद आपको लिए चलते हैं शिव की नगरी काशी, जहां गंगा उफान पर है और घाट डूब रहे हैं। गंगा में पानी बढ़ गया तो घाटों के किनारे बने मंदिर तक उसमें डूबने लगे हैं। वाराणसी के पक्के घाटों तक पानी लबालब भर आया है। अगर गंगा में पानी और बढ़ा तो निचले इलाकों में पानी भर सकता है। फिलहाल गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से कुछ ही मीटर नीचे है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। कम से कम पश्चिम यूपी में इंद्र अभी और मेहरबान रहने वाले हैं। अगर हैवी रेनफॉल की वार्निंग करें तो सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल वार्निंग हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए है, जहाँ की हमने अगले 24 से 48 घंटों के लिए ऑरेंज से रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। इसके साथ साथ दिल्ली NCR में भी हैवी रेनफॉल हो जाएगा अगले 24 घंटों में, हरियाणा में और हिमाचल प्रदेश में यहाँ भी हैवी रेनफॉल हो जाएगा। उमस और गर्मी से राहत दिलाने वाली बारिश तो ठीक है, लेकिन जब बरसात का पानी सिस्टम की बदहाली से मिलता है तो आम आदमी के पास रोने के अलावा दूसरा और कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि चाहकर भी घुटने तक पानी में खड़ा इंसान बारिश का मजा नहीं ले सकता।